हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दुर्घटना या अनहोनी, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन दोनों में व्यक्ति की जन हानि और धन हानि का नुकसान जरूर होता है। दुर्घटना चाहे किसी के भी साथ हो, लेकिन दुख पूरे परिवार को झेलना पड़ता है और उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाती। दुर्घटना के कारण या तो व्यक्ति की अकारण मृत्यु हो जाती है या फिर उसको शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन अनहोनियों से बचने के लिए उपाय करना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी दुर्घटना या एक्सीडेंट के समय चोट जब लगती है तो जिस राशि का प्रभाव ज़्यादा होता है, शरीर के उसी हिस्से में चोट ज़्यादा आ जाती है। किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा, उसके बाद राहु केतु की स्थिति को समझना होगा। अगर इसमें सूर्य या मंगल की भूमिका भी हो तो व्यक्ति चोट का शिकार हो जाता है। शनि मंगल से ये दुर्घटना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी मंगल होता है। मंगल अगर नेगेटिव हो तो चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है तो क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं जिससे दुर्घटना से या किसी भी घटना से बचा जा सके। जैसे बताया जाता है कि घर से निकलते समय भगवान को नमस्कार जरूर करना चाहिए, हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, कुछ मीठा खाकर घर से निकलना चाहिए। अगर चोट बार बार लग रही हो तो नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए, एक लोहे का छल्ला धारण करना चाहिए, शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, घर की सुख शांति के लिए रोजाना घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह के बहुत से उपाय हैं जो नॉर्मली किसी भी घटना या दुर्घटना से बचाव के लिए कोई भी कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति विशेष की कुंडली के हिसाब से उपाय भी अलग अलग होते हैं। हर एक की कुंडली में अलग अलग कुछ ज्योतिष के पैरामीटर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ घटनाएं बड़ी घटती हैं तो कुछ घटनाएं छोटी घटित होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन घटनाओं के कारण जान से हाथ धो बैठते हैं तो कुछ लोगों के साथ बड़ा हादसा होने के बाद भी उनको खरोच भी नहीं आती और वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। आपकी कुंडली में एक ऐसा योग होता है जो आपको किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बचा लेता है। आपकी कुंडली का 8th हाउस इसके लिए जिम्मेदार होता है। 8th हाउस या फिर 8th हाउस का लॉर्ड यानी अष्टमेश। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अष्टम भाव और अष्टमेश अचानक होने वाली घटना या दुर्घटना के लिए देखा जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए देखा जाता है। यहाँ पर जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है वैसा ही इंसान के साथ घटित होता है। लेकिन अगर यहाँ शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, साथ ही अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो, तो लाइफ में एक्सीडेंटल इंसिडेंट तो होंगे लेकिन इंसान के साथ कोई बड़ा हादसा होते होते रह जाता है। ऐसे में वो अपने ईश्वर को धन्यवाद करता है। तो यहाँ जिस योग की बात मैं कर रही हूँ, जब अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध शुभ ग्रहों के साथ हो और साथ ही इस योग में नवम भाव शामिल हो, तो ऐसे व्यक्ति किसी बड़ी घटना का शिकार होने से बच जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आपकी कुंडली का अष्टम भाव या अष्टमेश, इसके साथ शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या तो युति में होगा या अष्टम भाव पर किसी भी तरीके से शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, और इन दोनों का ही यानी कि शुभ ग्रहों का और अष्टम भाव का संबंध नवम भाव या नवमेश के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बार बार होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना से बच जाते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती और इसीलिए कुंडली का अष्टम भाव और नवम भाव इस तरह के हादसों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आशा करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।